इंदौर के सरवटे बस स्टैंड के एमएस होटल के कमरों में जब लोग करवटे बदल रहे थे तो उनको पता नहीं था कि ये उनकी आखिरी करवट है। शहर को भले ही नंबर एक का तमगा लगा हो, लेकिन एमएस होटल का यह हादसा ऐसी कालिख है जिसको साफ नहीं किया जा सकता। एमएस होटल के हादसे में अगर बात की जाए जिम्मेदारी की, तो क्या उस नगर निगम को जिम्मेदार माने जिसको जर्जर भवन तोड़ना था, या फिर जिला प्रशासन के उस अमले को जिसको कागजी खाना पूर्ति, या फिर खाद्य विभाग को, या फिर पुलिस को? खैर, जिम्मेदारी वगैरह बाद में तय होंगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हादसे की। हादसे के वक्त लगभग 20 गेस्ट होटल में ठहरे थे और स्टाफ के लगभग 8 लोग। रात 11 बजे से ही लाशों के निकलने का सिलसिला जारी है और लगभग 10 लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं। नगर निगम का अमला मलबा हटाने में लगा है। महापौर मालिनी गौड़ ने घटना को लेकर दुख जताया है। रेस्क्यू चल रहा है और मैंने सेट पर सभी हमारे निगम अधिकारी कमिश्नर सभी को निर्देश दिए थे। उन्होंने पूरा अपना नगर निगम का अमला लगा रखा है, शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ है और कितने लोग अंदर है ये अभी जानकारी नहीं, चूँकि बहुत ही दुखद घटना है और जो भी इसमें दबे हुए लोग हैं वो भगवान से प्रार्थना करती हूँ व्यवस्थित तरीके से बाहर आ जाए, के तुरंत उनको अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। जो भी आर्थिक मदद या सुविधाएं जो भी उपलब्ध करवाना होगा हम पूरी करवाएंगे। खैर, आते हैं जरा फिर से एक बार इंदौर के ठेकेदारों की बात कर लेते हैं। चाहे वह कांग्रेस के हों या सत्ता के नशे में मदमस्त बीजेपी के नेता, शहर में खासकर सरवटे के आसपास ऐसे जर्जर भवनों की लंबी कतारें हैं, लेकिन किसी न किसी भवन का किसी न किसी नेता से कनेक्शन के चलते कार्रवाई नहीं हो पाती और यह नेता कार्रवाई में रोड़ा बन जाते हैं। उसके बाद शुरू होती है सरकारी महकमों के भ्रष्टाचार की कहानी, जिनको नेता जी अप्रोच कर देते हैं और फिर सरकारी विभाग देते हैं मौत की एनओसी। सवाल यह है कि क्या होटल को सारे लाइसेंस दे दिए गए थे, या फिर सवाल यह है कि क्या नगर निगम की टीम जांच करने नहीं गई? पिछले दिनों डीपीएस हादसे के वक्त जिम्मेदारी तय करते हुए स्कूल के प्राचार्य को जेल भेजा गया था, लेकिन अब जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि राजनीतिक सिस्टम को तो सांप ही सूंघ गया है। निगम कमिश्नर मनीष सिंह का कहना है कि राहत के काम पहले बाकी बाद में। हाँ, सबसे पहली प्राथमिकता है कि रेस्क्यू हो जाए, जो भी मलबे में लोग दबे हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए, अस्पताल भेज दिया जाए। 7 घायलों को भेजा जा चुका है अभी। अब एक लास्ट पार्ट जो बिल्डिंग का है उसको एक संभल के उसके मलबे को हटाया जा रहा है, उसमें उम्मीद कम है कि उसके अंदर लोग होंगे, फिर भी सफल पूरे सावधानी पूर्वक हटा रहे हैं। वो जो लास्ट मलबा हटेगा उसके बाद ये मलबे वाला काम पूरा होगा और उसी के बाद क्लियर होगा कितने लोग इसमें दबे थे, घायल हुए हैं। इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का किस केस की है ये तो अभी हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, पर ऐसी हज़ारों बिल्डिंगें रहती हैं, कहीं ना कहीं मालिकों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इस प्रकार का जो जहाँ भी डेंजरस स्थिति में है उसको ठीक करें। इसके बारे में चूँकि ये बड़े चौराहे पे थी, कभी ऐसी कोई हम लोग को शिकायत नहीं मिली, क्योंकि यहाँ मूवमेंट काफ़ी होता है हम लोगों की। अब हादसा था, क्या रीज़न था, कोई बोल रहा है यहाँ पर कार टकराने से हुआ, कोई बोल रहा है कि रिपेयरिंग चल रही थी, पर वो सब लोग बोल रहे हैं, जाँच में क्लियर होगा। वहीं DIG हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि पुलिस प्रशासन राहत के काम में लगा हुआ है। इंदौर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल हमारे साथ हैं इंदौर के DIG श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी, सीधे उनसे जानते हैं। सर, बहुत दर्दनाक हादसा है, किस तरह से पूरी घटना को देखते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या काम किया? मुख्य तौर पर ये एक इमारत में, एक बिल्डिंग में कार के तेज गति से टकराने के कारण हादसा हुआ है, लेकिन इसमें काफ़ी युद्ध स्तर का राहत कार्य चलाया जा रहा है। इसमें कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कुल 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें 7 लोगों को निकाला जा चुका है, उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जा चुका है। लेकिन जहाँ तक घटना के बारे में अंतिम रूप से किसी व्यक्ति के न होने की पुष्टि है, उसकी पुष्टि तभी की जा सकेगी जबकि पूरे मलबे को हटाया जा सकेगा। मलबे को हटाए जाने के लिए इसमें कार्रवाई चल रही है,
इसमें अगले 2-3 घंटों में मलबा जब पूरी तरह से हट जाएगा तब अंतिम रूप से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बहरहाल हमारी पहली प्राथमिकता युद्ध स्तर पर राहत कार्य को चलाना है और वो काफ़ी तेज गति से चलाया जा रहा है। सर, प्रथम दृष्टि ऐसा बताया जा रहा है कोई कार थी जो कि बिल्डिंग से आकर टकराई, जिसके बाद से वो बिल्डिंग भरभराकर गिरी, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, और खतरनाक हो चुकी ऐसी इमारतों के लिए क्या कोई अभियान की जरूरत है? हाँ, निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टि आ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि बिल्डिंग 100 साल पुरानी थी, कुछ का 60-70 साल कहना है, लेकिन अंतिम रूप से जो भी स्थिति हो, प्रला जो अगर हम और पूरी तरह से मोटे तौर पे देखें तो एक जर्जर हो चुकी बिल्डिंग में कार आकर के टकराई, और टकराने के कारण वो बिल्डिंग चूंकि पुरानी हो चुकी थी तो गिर गई। गिरने के बाद जो 7-8 लोग, जो भी 7 लोगों के आने की पुष्टि हो रही है जो अंतिम रूप से थे, वो लोग इसमें अचानक दब गए इस हुई घटना के कारण। इस घटना में अभी पहले हमारी प्राथमिकता इन लोगों को बचाना है जो लोग भी यहाँ पे हैं, और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से अभी केंद्रित हैं। इसमें अगर कार चालक की जो भूमिका है या जर्जर बिल्डिंग के होने की भूमिका है या उसने निर्धारित मानकों का पालन न करने की बात है, इन मुद्दों पे बाद में विचार करके संबंधित को इसमें कठोरतम सजा दी जाएगी। सर, पुरानी बिल्डिंग थी, यहाँ पर लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है, और सीधे तौर पर इंदौर के DIG श्री हरि नारायण चारी मिश्र कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए किसी तरह का जान माल का नुकसान न हो, ऐसी कोशिशें की जाएंगी। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा निगम का अमला यहाँ पर जो है तैनात है, पुलिस अधिकारी हैं, इंदौर जिले के कलेक्टर आप देख सकते हैं, ADM रुचिका चौहान आपको नजर आ रही हैं, उपायुक्त संतोष टैगोर, तमाम जो है प्रशासनिक और पुलिस महकमे के आला अफसर हैं जो कि यहाँ पर मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डटे हुए हैं। पूरी तरह से कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरह से जो बिल्डिंग के नीचे दबे लोग हैं उनकी जान को बचाया जा सके। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि किसी कार के टकराने के बाद जो है बिल्डिंग भरभराकर गिरी है। बहरहाल अब देखना हो कि आने वाले दिनों में जिला प्रशासन, निगम प्रशासन कैसे इंदौर की खतरनाक हो चुकी तमाम बिल्डिंगों पर एक अभियान छेड़ता है। फिलहाल मौके से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज, इंदौर। जब घटना स्थल पर कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे तो ऐसा लगा कि वे दोषी लोगों के लिए कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने भी इसके बाद जांच की कार्रवाई की बात कर गेंद को सरकार के पाले में डालते नजर आए। देखिए, ऐसा है, शहर ये पुराना है, पुराने शहर में पुरानी बिल्डिंग है, तो निश्चित रूप से इस घटना से नगर निगम को चाहिए एक मास्टर प्लान बनाए, शहर के एक्सपर्ट विशेषकर आर्किटेक्ट जो पुराने हैं उनके साथ बैठे, पुरानी बिल्डिंग को सूचीबद्ध करना चाहिए, सूचीबद्ध करने के साथ उस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है उसको मेज़र करवाना चाहिए, मेज़र करने के बाद नगर निगम को सर्टिफिकेट देना चाहिए पुरानी बिल्डिंग 50 साल पुरानी जितनी बिल्डिंग से, उनको सबको सर्वे करके सूचीबद्ध करके उनकी स्ट्रेंथ देखना चाहिए और उसके बाद नगर निगम को निर्णय करना चाहिए, क्योंकि कोई भी शहर में घटना हो और उसके बाद यदि प्रशासन आगे नहीं हो इस प्रकार की घटना, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करे, तो मैं समझता हूँ इसके लिए जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस दिशा में काम करे। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि शहर हमारा पुराना है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स में हम जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको सूचीबद्ध करना चाहिए नगर निगम, करने के बाद उनकी स्ट्रेंथ देखना चाहिए और उसके अनुसार नगर निगम को निर्णय करना चाहिए। यह घटना अलार्मिंग घटना है, इस घटना से सबक लेना चाहिए, कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं जिम्मेदार है, बात की बात है, पर शहर बचे, शहर में इस प्रकार की घटना फिर से न हो, इसके बारे में जरूर विचार। खैर, घटना के बाद जांच और कार्रवाई की बातें तो होती रहती हैं। सूबे के मुखिया ने भी पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है। अब जांच होगी, बड़े बड़े खर्रे भरे जाएंगे और जांच के नाम पर फाइलें दफन कर दी जाएंगी। कुछ जिम्मेदारों को निलंबित तो कुछ का तबादला होगा, लेकिन उन लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा जिन लोगों ने अपनों को खोया है। सूबे के मुखिया साहब, असली श्रद्धांजलि तो इन मृतकों को तब होगी जब इस तरह के हादसे आगे न हो और आपके भ्रष्ट अफसरशाही सारे निर्माणों को ध्वस्त करें, न कि चंद कौड़ियों के लिए लाशों का सौदा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।